हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास जो ये उषा की न्यू मशीन बिल्कुल सर्विस के लाई है, ये मशीन हमारे पास से ही सेल हुई थी और लगभग इस मशीन का 1.5 साल हो चुका है। कस्टमर का कहना है कि इस मशीन में बार बार सिलाई तोड़ रही है और साथ ही साथ सिलाई जो हो रही है इसकी वो छोड़ छोड़ के हो रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है इस मशीन को, हम आपको डिटेल बताएंगे इसको कैसे सही करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम इस मशीन का जो है सुई को हम चेक करेंगे कि सुई जो इसमें लगी हुई है किस प्रकार की लगी हुई है। तो सुई को हम पहले खोल लेते हैं इस प्रकार से। नॉर्मली क्या होता है, जब भी मशीन में प्रॉब्लम आता है धागा कटने का या सिलाई छोड़ने का, 90% रीज़न सुई का ही होता है। और आप भी देख सकते हैं इसमें जो सुई लगा हुआ है बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी का लगा हुआ है। इसका होल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा है, बंद टाइप का है। जब भी कपड़े में ये अंदर की ओर प्रेस होके घुसती है तो ऑफिशियली की धागा इसकी टूट जाएगी प्रेशर के वजह से, और इसका जो नुकीलापन अंदर होल में सही प्रकार से नहीं बनाया है उसके वजह से, ना तो इसकी पॉलिशिंग की गई है बढ़िया तरीके से। आप इसी जगह देखिए, हम एक नया सुई अपना ऑर्गन का लेकर के आए हैं। इसके होल को आप चेक कीजिए और इसके सामने इसका होल को चेक कीजिए। इसकी होल जो है बिल्कुल छोटी सी है और काफ़ी फ़र्क है, जबकि ये 18 नंबर की है और ये 16 की है, मेरी वाली 16 की है, फिर भी इसका होल बिल्कुल क्लियर है। और ऊपर का मत्था भी इसका देखिए चौड़ा होता है, इस प्रकार से बढ़िया से मशीन में बैठ पाता है। तो सबसे पहले हम अपने सुई की फिटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए ये जो नीडिल है बिल्कुल हमारा सीधा बैठता है। ऑर्गन का यही खासियत होता है कि जब भी आप स्लॉट में बैठाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठता है। यदि आपका रड बैंड होता है तभी आपका नीडिल जो है लेफ्ट राइट आपको दिखाएगा, बाकी अगर नीडिल रड अगर सही है तो बिल्कुल सुई जो हमारा स्ट्रेट बैठता है। तो देखिए सुई हमने लगा लिया है, अब इसका प्लेट को हम खोल लेंगे क्योंकि नीचे का भी जो काम है उसको भी हमें करना है, चेक कर लेना है पहले। प्लेट को हमने निकाल लिया है, साथ ही साथ इसके चाप को भी खोल लेंगे। और इस मशीन में एक प्रॉब्लम है, देखिए इसका जो बटन होता है एक सही हमारा और एक टूटा हुआ है। तो इसके लिए हम इसके नाल को पहले तो खोल लेते हैं, दोनों स्क्रू हमारा जो पेच लगा होता है इसको पहले हम खोल लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए ये जो हमारा टूटा हुआ बटन है, नाल की फिटिंग करने से पहले हम इसको ही चेंज कर लेंगे ताकि हम शटल की जो फिटिंग कर पाएँ उसमें तो उसमें प्रॉपर हमारा जो बैठ सके। तो ये बटन को हम पहले इसमें फिट कर लेते हैं। स्क्रू और स्प्रिंग हम वही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बटन को चेंज करना है। ये हमारा राइट साइड का बटन टूटा था उसको हम पहले तो चेंज कर लेते हैं इस प्रकार से। बिल्कुल ही आसान है चेंज करना, यदि टूटता है तो इसका अलग से हमें पार्ट्स मिल जाता है, बटन वगैरह भी फोल्डिंग नाल का। देखिए ये हमारा फिट हो गया इस प्रकार से। और अंदर में जो भी इसका डस्ट है उसको भी हम साफ कर लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि शटल में जाहिर सी बात है कि मशीन चलती है तो सबसे ज़्यादा गंदगी दांत और शटल दो चीज़ में फंसती है मशीन पर। तो इसकी हम पूरा बढ़िया तरीके से सफाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा नाल जो है बिल्कुल साफ हो चुका है, साथ ही साथ इसका जो भी और भी पार्ट्स है उसको हम साफ कर लेंगे। ये इसका शटल है और ये इसका ऊपर का रिंग है, कवर है, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से ये जो हमारा फोल्डिंग नाल है ठीक इस प्रकार से बैठ जाता है और इसके ऊपर से इसको लॉक पिन को हम दोनों बटन को चढ़ा देते हैं। और ये शटल हमारा शटल भी बिल्कुल ठीक है, बट इसमें देख सकते हैं हल्का सा जो है साइड में सुई के टकराया है, पर इसमें बाबरी नहीं है, इसके वजह से ये हमारा जो शटल है वो चल सकता है। देख सकते हैं सुई किस प्रकार से, इसमें सुई के वजह से दाग भी इस शटल में, पर इसमें क्या है कि बाबरी नहीं था इसके वजह से हम इस शटल को लगा सकते हैं, ना तो हमें पेपर मारने की ज़रूरत है। और ये शटल हमारा इस प्रकार से फ्री घूमना चाहिए, शटल यदि फ्री घूमता है तभी आपको मशीन में इसको फिट करना होता है। तो देखिए इस प्रकार से नाल को हम इसमें सेट करेंगे।
देखिए नाल की फिटिंग हमने कर ली है और नाट की फिटिंग करने के बाद देख सकते हैं इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा जो नाल है थोड़ा सा नीचे की ओर बैठ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा कैरियर होता है और ये हमारा सडल का पंख है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि हल्का गैप होना चाहिए ताकि हमारा सुई तभी इधर से होकर के ऊपर की ओर वो बढ़ पाएगा, इस प्रकार से ऊपर की ओर जा पाएगा। और हो क्या रहा है, नाल जो हमारा थोड़ा नीचे की ओर ये सेट हो रहा है, देख सकते हैं इसके बीच में हल्का गैप होना चाहिए इस प्रकार से, और ये गैप जो है हमारा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि नाल जो है हमारा थोड़ा नीचे की ओर सेट है, ऐसा नहीं कि कैरियर हमारा बैंड है, नाल की सेटिंग थोड़ा सा हमारी जो नीचे बैठ रही है। बट ऐसा हो क्यों रहा है, इसलिए क्योंकि कस्टमर ने इसके बारे में नहीं बताया हमको कि इसकी जो बॉडी है ये यहाँ से वेल्डिंग की गई है। अब वेल्डिंग उन्होंने किस कारण से करवाया, किस प्रकार से बॉडी क्यों टूटा, इसके बारे में हमें डिटेल नहीं दिया गया, बट फिर भी हमारे पास सर्विस के लाइए तो हम इसको सही कर रहे हैं। तो ये बॉडी जो वेल्डिंग किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया, इसकी वजह से देखिए गैप भी जो हमारा एक तरफा बता रहा है, ऊपर में देखिए हमारा गैप नहीं बिल्कुल भी। तो इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम फिर से नाल को खोल लेंगे इस प्रकार से। पहली बात तो देखिए ये जो हमारा सटल है इस प्रकार से ऐसे टच कर रहे हैं पंख, ये जो हमारा पंख है ये कैरियर में इस प्रकार से टच कर रहा है, जबकि इसके बीच में ऐसा गैप बनना चाहिए इस प्रकार से, पर ये जो है हमारा इस प्रकार से टच कर रहा है। तो हमारा अगर यदि नाल ऊपर की ओर चला जाता है और लेफ्ट ओर चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर गैप भी हो जाएगा और हमारा जो सटल है बिल्कुल सही प्रकार से इस प्रकार से फिट हो जाएगा। तो देखिए नाल जब इस प्रकार से फिट होता है तो नाल को यदि लेफ्ट भगाना है या ऊपर की साइड भगाना है तो देखिए ये जो हमारा धारी बना होता है इस प्रकार से लाइन बना होता है इसकी मदद से हम भगा सकते हैं इसको। तो यदि हमको ऊपर की ओर ले आना है या फिर लेफ्ट साइड लेके जाना है इसके अंदर साइड में हल्का सा हथौड़ी की मदद से इस प्रकार से रख करके, इसे मैं दिखा रहा हूँ देखिए, इसके अंदर साइड में इस प्रकार से रख करके यहाँ पे इस प्रकार से ठोकेंगे, ये जो हिस्सा होता है थोड़ा सा आपका ये मोटा हो जाता है और इस तरफ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इसके वजह से क्या होता है जब ये पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये स्लॉट में यहाँ बैठता है, देखिए इस स्लॉट में यहाँ पे बैठता है और इसके ओवर हो जाने से ये जो स्लॉट है मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसके वजह से क्या हमारा नाल जो है थोड़ा सा उधर की ओर सरक जाता है। ये तभी सरक सकता है जब इसके ठीक विपरीत साइज वाला जो है इसके बीच में यहाँ से गैप बना हो, तो यदि ये वो बिल्कुल फिक्स है तो वो नहीं सरक सकता है। यदि आपको इधर सरकाना है और ये बिल्कुल फिक्स हो रहा है तो यहाँ अगर आप पीट के चौड़ा करते हैं तो यहाँ आपको पतला करना पड़ता है थोड़ा, और ये पहले भी कारीगरी इसमें किया गया है ऑलरेडी। अब इसको हम फिट करके चेक करते हैं हल्का ठोकने के बाद, तो देखिए इसको बहुत अच्छा तरह से कटिंग करने के बाद भी जो सटल है हमारा तो थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का लाइन में आ पा रहा है, क्योंकि सर जो बॉडी वेल्डिंग कराया गया है इसके वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग जैसे बनाते हैं वो नहीं बन पा रहा है। फिर भी इतना जितना हम कर सकते थे उतना इसको कर दिए सेटिंग, कि देखिए हमारा ऊपर में भी हल्का सा इस प्रकार से गैप बन रहा है देखिए, और इसी प्रकार से ठीक हमारा लेफ्ट साइड भी हल्का गैप बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो मशीन है अब ये सही प्रकार से चल सकता है, इसमें ना तो धागा फंसेगा ना तो छोड़ेगा। और बात रहा यहाँ पे पंख में टकराने का, तो पंख के लिए हम क्या करेंगे, इसे कैरियर को थोड़ा सा नीचे की ओर हल्का दबा देंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, या तो पत्ती हमारा जो भी हल्का फुला हुआ है उस पत्ती को हम थोड़ा सा दबा देंगे। देखिए नाल को हमने इस प्रकार से देखिए इधर पीटा है, इस प्रकार से हल्का हमने हथौड़ी की मदद से फैलाया है और ठीक इसके अपोजिट साइड हमने इसको कट भी किया है, फिर भी जो हमारा नाल है सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है, इसके वजह से क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो तो वेल्डिंग जो कराई गई है थोड़ा सा अनबैलेंस हो गई है, जिसके वजह से सही तरीके से नहीं बैठ पा रही है। फिर भी इस मशीन जो है हमारा चलेगा, इसको पत्ती को हम थोड़ा सा इसको दबा देंगे और कैरियर को नीचे की ओर थोड़ा सा फैला देंगे तो हमारा जो पंख में ये टकराएगा नहीं, और जो यदि ज़्यादा गैप दिखाता है तो इस प्रकार इसको अंदर की ओर सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कैरियर सुई में टकरा नहीं रहा है, बिल्कुल सही तरीके से इधर सेट है। अब नाल को इसमें फिट करके एक बार
दिखाते हैं आपको। इतना हो सकता है मशीन चलने लायक, इसको हम सेट कर दे रहे हैं। तो देखिए अभी देखिए हमारे ठीक नीचे में यहाँ पे पंख से टकरा रहा था, वो टकराना बंद हो चुका है और ये ठीक यहाँ बॉडी में सडल को डायरेक्ट इस प्रकार से ढकेल रही है। और ये सडल हमारा इस प्रकार से चलता है, ये जब ऊपर जाती है सुई तो यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ से गुजरता है ताकि हमारा धागा इस प्रकार से पकड़ सके, ठीक इसके होल के ऊपर से पास होती है, इस प्रकार से इसका सिलाई बनता है। अब वापस इसका हम इस ऊपर के कवर को लगा देंगे, इसको लॉक कर देंगे। तो देखिए हमारा लेफ्ट साइड भी गैप बन रहा है और देख सकते हैं ये हमारा ऊपर साइड भी अब गैप बन रहा है और इधर तो गैप ऑलरेडी बन ही रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो नाल है लगभग सेट हो चुका है, जितना हो सकता था हमने इसको सेट किया है ताकि इसमें सिलाई पकड़ने की या फंसने की, धागा फंसने की प्रॉब्लम ना आए और मशीन में बिल्कुल सही तरीके से सिलाई हो सके इसमें। तो इस शटल की गैप में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इसका नाल का प्रॉब्लम था वो भी हमारा कंप्लीट सेट हो चुका है। अब वापस से इसके प्लेट को हम टाइट करेंगे और आपको सिलाई करके दिखाते हैं इसकी सिलाई कैसे बन रही है। देखिए मशीन जो हमारा बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का सिलाई भी देखिए हमारा पूरा बिल्कुल सही तरीके से बैठ रहा है और ऊपर का सिलाई भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा मशीन बन के कम्प्लीट हो चुका है, जो सर्विस में आई थी इसकी सर्विस पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। ये मेरा छोटा सा वीडियो था इस मशीन के ऊपर में। यदि सुई आप डुप्लीकेट लगाते हैं या ख़राब लगाते हैं तो हो सकता है आपको भी परेशानी आ सकती है मशीन में सिलाई छोड़ने की और धागा तोड़ने की। तो जब भी सुई लगाते हैं तो बढ़िया सुई का यूज़ करें, अच्छा सुई का यूज़ करें, ब्रांड का यूज़ करें और अच्छे तरीके से मशीन की सर्विस करें, तेल वगैरह टाइम टू टाइम डालें तो मशीन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर किसी और टॉपिक पे लेकर आएंगे। धन्यवाद।